नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट देने जा रहे हैं, वो है आपका जी पेपर से रिलेटेड, जनरल इलेक्टिव पेपर से रिलेटेड, जो एग्जामिनेशन होने वाली है मारवाड़ी कॉलेज रांची में। आपको बता देना चाहेंगे कि आपका 3 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन पहले से हो चुकी है और आपका जो सेमेस्टर 3 का जो एग्जामिनेशन है वो अभी चलने वाला है, जिसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन आपके माइंड पे है। उसमें डेट क्या चेंज होगा वो सारा चीज़ को मैं अच्छे से बताने जा रहा हूँ। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे, हर एक पहलू पे बात करेंगे, हर एक पॉइंट पे बात करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। और आपको ये भी बताएंगे कि जी पेपर किनको देना है, नहीं देना है, अभी भी किसी को कन्फ्यूजन होगा तो उसके लिए भी मैं पूरे डिटेल बताने जा रहा हूँ। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सअप का, ताकि आप उस पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हर तरह का अपडेट हम उस पर डालते रहते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपका सबसे पहली बात है कि आपका फॉर्म भरा चुका है मारवाड़ी कॉलेज रांची में। जी पेपर एग्जामिनेशन जो है वो आपका सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4 का हो चुका है और सेमेस्टर 3 का बाकी है, जो अभी होने जा रहा है। तो इस पर थोड़ा सा डेट का चेंजेस भी हो रही है। उससे पहले बता दें कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? मारवाड़ी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। वहाँ पे जाएंगे मारवाड़ी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट में, जैसे जाते हैं रेड कलर का आपका जो ऑप्शन मिलता है वहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड बैकलॉग सेमेस्टर 3 का एग्जाम लिखा होगा। उसमें जी पेपर नहीं लिखा होगा, मे भी लिखा हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखा होगा तो उसमें डायरेक्टली आपको लिखा होगा कि डाउनलोड बैकलॉग सेमेस्टर 3 एग्जामिनेशन। आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपको वो रीडायरेक्ट करेगा, वहाँ पे नीचे में जा करके आपका रोल नंबर मांगेगा, एग्जाम रोल नंबर आप उसको डालिएगा। उस पर डालने के बाद में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। खास बात यह याद रखिएगा, आप उसमें आपका नाम, पिताजी का नाम वगैरह जो भी डिटेल वगैरह है उस पर वो अच्छे से देख लीजिएगा कि आपका हो, उसमें किसी तरह का मिसमैच ना हो। अगर मिसमैच होता है तो ऑनलाइन सेक्शन में आप जा करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद में हम बात करें कि जी पेपर किन के लिए है। तो ये जी पेपर जो है जनरल इलेक्टिव पेपर जो है वो आपका सेशन 2017 से 20 और 17 और 18 से 21 2017 से लेकर के 2020 2017 से और 2018 से लेकर के 2021 के जो स्टूडेंट हैं वो भी नॉन वोकेशनल वोकेशनल कोर्सेज जो हैं उनके लिए नहीं है, जो नॉन वोकेशनल कोर्सेज हैं उनके लिए है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया सेशन क्या है, बस 2 सेशन का है। इसके साथ साथ में जो भी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, एग्जामिनेशन हो रही है, वो बैकलॉग के लिए भी हो रहा है। मतलब कि 6 साल पहले जो है 2017 से लेकर के 2021 तक के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका बैकलॉग लगा हुआ था वो क्या है कि वो इसमें भी फॉर्म भर करके अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो, अपना पेपर को आप क्लियर कर सकते हैं। 21 के बाद से आपका ऑटोनॉमस खत्म हो चुका था, जिसके वजह से उसके जितने भी बैकलॉग के एग्जामिनेशन है वो रांची यूनिवर्सिटी वाले लेंगे। अब इसका इंपॉर्टेंस है कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होगा कि अभी जो सेमेस्टर 3 का एग्जामिनेशन जो हो रहा है उस पर आपका कि डेट को चेंज करके बहुत सारा दिक्कत हो रही है। तो डेट में आप ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना करें, आपका मारवाड़ी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जो रिवाइज डेट शीट करके है, आपको उस पर ध्यान देना है। रिवाइज डेट शीट जो है उस पर आपका सारा डेट दिया गया है। उस पर थोड़ा सा संशोधन किया गया था कि जो 25 और 26 को जो है वो कर्मा का पूजा है, जिसके वजह से 25 और 26 का एग्जामिनेशन जो है वो 30 और 3 को डाल दिया गया था। मतलब कि 25 का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो 30 सितंबर को और जो 26 को एग्जामिनेशन होने वाला था वो आगे 3 अक्टूबर को डाल दिया गया। उसके बाद में बात करें कि बीच में ये दिक्कत आ गया कि रांची यूनिवर्सिटी ने अपना पीजी का एग्जामिनेशन निकाल दिया, उसमें 27 का एग्जामिनेशन जो है सेम डेट पे पड़ गया है। तो सेम डेट पे हो गया है, क्लैप्स कर जा रहा है डेट, तो जिसके कारण आपको दिक्कत हो रही है। तो आप घबराएं नहीं, आप अपना पेशेंस बनाए रखें। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, अभी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में काम चल रही है, मीटिंग चल रहा है, प्रिंसिपल सर हमेशा अपना देख रेख उसमें कर रहे हैं, कि उसमें प्रिंसिपल सर भी चाहते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सर का ये भी कहना है कि आपको दिक्कत ना हो, इसके वजह से आपका जो भी सुविधा होगा वो सुविधा को आपको दिया जाएगा। तो डेट अगर कोलैप्स हो रहा है, जैसे कि 27 का मैं एग्जांपल लूँ कि 27 का डेट कोलैप्स हो रहा है, उस तरह से एक दो और भी डेट आ सकते हैं, इसलिए अभी तक डेट क्लियर नहीं किया गया है। तो 27 को जो एग्जामिनेशन होने वाला था वो अगर रांची यूनिवर्सिटी के वेबसाइट जो एग्जामिनेशन उसमें डेट कोलैप्स हो रहा है तो वो डेट चेंज होगा। तो आप घबराएंगे नहीं, आपका जो डेट है 27 वाला जो डेट है वो चेंज होगा। और आपका और भी वेट करना है, फाइनल आप मार्क्स फाइनल डेट शीट का वेट करेंगे, क्योंकि आपका इस पे जो है कि आपका किसी तरह का एग्जाम में दिक्कत ना हो, इसलिए उसका अच्छे से देख रेख किया जा रहा है। तो यहाँ पे दिक्कत आती है कि जो बाहर के स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा। आप कहेंगे कि हमें बार बार आना पड़ता है, जो भी है, तो जो भी है बात मैं उसमें नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ है कि आपको मैनेज करना होगा।
क्योंकि अगर दूसरे तरह का एग्जामिनेशन कोलैप्स हो रहा है तो डेट चेंज हो रही है, उस पर आप ज़्यादा दिक्कत नहीं है, डेट आपको फ्रेश डेट मिल जाएगी, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हो सकता है जैसे 27 सितंबर का जो डेट होने एग्ज़ाम होने वाला है उसका डेट कोलैप्स किया है, उसी तरह से और भी ऐसे एग्जामिनेशन होंगे जिनका डेट कोलैप्स किया हो गया होगा। तो अभी आपको एप्लीकेशन वहाँ पे मांगा गया है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में, अगर ऐसा है तो वहाँ पर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में आप एप्लीकेशन दिए होंगे और आइडेंटिफाई किया जा रहा है ताकि दूसरे एग्जामिनेशन से डेट कोलैप्स ना करे। तो आप बात करेंगे कि जनरल कॉम्पिटिशन के कि उस समय में जनरल कॉम्पिटिशन का आपका डेट आ गया तो उस पर कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन रांची यूनिवर्सिटी का अदर एग्जामिनेशन जो है वो कोलैप्स करता है तो उस पर आपको कंसिडर किया जाएगा। तो इस बात को खास आप ध्यान रखेंगे। कुछ बच्चे का ये क्वेश्चन आ रहा था कि आपका है कि 2019 से लेकर के 22 के सेशन वाले हैं उनको भी देना है क्या जीए पेपर, तो साफ तौर पे मैंने बता दिया आपको कि दो ही सेशन वालों के लिए 2017 से 20 और 18 से 21 वालों के लिए ही जीए पेपर है, जीए पेपर उनके लिए है, और जिनका एग्जामिनेशन हुआ था जिनका एक पेपर ही मात्र जनरल इलेक्टिव का हुआ था बस उनके लिए ही है, बाकी जो अदर हैं उनके लिए नहीं है, और जिनका बैक लगा हुआ था वो भी इस पे एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और आप जितने भी जी पेपर का एग्जामिनेशन दे रहे हैं सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 4 तक का, अगर किसी भी तरह का आप एक भी सेमेस्टर मिस किए होंगे तो फिर आपको अपडेट करके मार्कशीट देने में मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि आपका जब तक चारों पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ये नहीं दिया जाएगा मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट अपडेट करके नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत आएगी कि आप अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन नहीं देते हैं तो क्या दिक्कत होगा, या एक एग्जाम दिए हैं उसके बाद नहीं दे रहे हैं तो कोई दिक्कत हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। अगर आप एग्जामिनेशन नहीं देते हैं आपको अपडेट करके नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपका जो पुराना मार्कशीट है वो आपका 100% वैलिड रहेगा। अगर एग्जाम नहीं दे रहे हैं जी पेपर का फिर भी आपका 100% मार्कशीट पुराना वाला जो है वो वैलिड है, और जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनका अपडेट करके दिया जाएगा। और यहाँ पे बात आएगी कि आप दो एग्ज़ाम दिए हैं तीसरा एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे हैं, या 30 दिन एग्ज़ाम दिए हैं चौथा एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए भी आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो इंटरेस्ट बेसिस पे आप दे रहे हैं तो ठीक है, चारों पेपर क्लियर होगा तो आपको अपडेटेड मिलेगा, नहीं तो फिर आपको फिर उसमें अपडेट करके नहीं मिलेगा। बस साफ तौर पर यही चीज़ है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इंपॉर्टेंस की बात रही, इंपॉर्टेंस मैं पहले भी बताया हूँ फिर से बता दूँ कि ये इंपॉर्टेंस आपका ये चीज़ है कि आपका कहीं भी अगर कंपटीशन में जैसे कि बीएड का एग्जामिनेशन हुए थे वहाँ पर अगर डिमांड किया जाता है तो फिर आपको दिक्कत है, और डिमांड नहीं किया जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो को जानने के लिए। मैं हर तरह का वीडियो आपको डाउनलोड करके देते रहूँगा, अपलोड करके देता रहूँगा ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो, और थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, ओल्ड स्टूडेंट है उनके साथ में शेयर कीजिए ताकि हर तरह का अपडेट उनको मिलता रहे। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।